चमकीले नीले पत्थर की कीमत। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दिन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दिन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाही। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूँगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उनसे उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10000 रुपये दे दूँगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसके कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वो वहाँ से चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफ़ी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दे दूँगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा, देखते ही रह गया। चौंकाने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो, यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूँ तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। कहानी से सीख, हम अपने आप को कैसे आंकते हैं, क्या हम वह हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं। आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए।